हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई एम सुमन। बारिश जैसे जैसे आती है बीमारियां साथ लेके आती है। पिछले एक हफ्ते से मैं बहुत सारे ऐसे कॉल्स ले रही हूँ जिसके अंदर खांसी, जुकाम, बुखार, गले में दर्द, स्टमक इन्फेक्शन या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ रही है। उस हिसाब से साथ साथ हमारी जो डाइट है वो चेंज होती चली जा रही है। मुझे लगता है जब मेरे साथ भी पर्सनली ऐसा हो रहा है, मेरे मेंबर्स के साथ, मेरे क्लाइंट्स के साथ ऐसा हो रहा है, आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी हो रहा होगा। सो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए, क्रेविंग्स का क्या करें? ये जो मानसून होते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार, स्टमक में इन्फेक्शन, लूजेस, ये सारे ना स्पीड ब्रेकर होते हैं जो हमारी वेट बैलेंस और वेट लॉस की जर्नी के अंदर स्पीड ब्रेकर्स बन के आते हैं। थोड़ा थोड़ा रुक के हमें चलना पड़ता है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम अच्छा खाना बंद कर दें, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑप्ट करना बंद कर दें या फिर अपनी वेट लॉस जर्नी को टाटा बाय बाय कर दें। सो आज की वीडियो में मैं लेके आई हूँ मानसून रिलेटेड 2 रेसिपीज जो कि हम डिनर में भी ले सकते हैं, हम ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, स्पेशली हम तब भी ले सकते हैं जबकि आपको बहुत ज़्यादा कफ, कंजेशन एंड खांसी, जुकाम, बुखार है। ये बहुत ईजी है बनाना। अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है तब भी आप बहुत आराम से इसको बना सकते हो। अगर आपको बुखार बहुत तेज़ है आप तब भी इसे बना सकते हो। और जिन जिन लोगों, जो जो लोग वर्किंग है, जिनके पास डिनर बनाने का टाइम नहीं होता, ब्रेकफास्ट बनाने का टाइम नहीं होता, जिनको होता है कि चले कुछ ईजी सा मिल जाए, कुछ क्विक रेसिपी मिल जाए, इस रेसिपी को आप एक हफ्ता पूरा बना के फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, स्टील या ग्लास के कंटेनर में, एकदम एयर टाइट कंटेनर में, एंड ये बिल्कुल एक वीक तक फ्रेश चलेगा। साथ में हम लेंगे आलमंड मिल्क, ओट मिल्क या फिर हम ले सकते हैं हमारा कोकोनट मिल्क। और अगर आपको PCOD जैसा कोई केस नहीं है या फिर आपको डेयरी से कोई भी एलर्जी नहीं है, आप तो फुल फैट मिल्क इस रेसिपी में यूज़ कर सकते हैं। ये जो रेसिपी है बहुत सिंपल है। सेकंड रेसिपी है मेरे पास शीरा, बहुत ही यमी एंड डिलिशियस शीरा है। एंड जिन जिन लोगों को बिल्कुल लथार्जिक फील हो रहा होता है, जिनको क्रेविंग्स बहुत ज़्यादा जागरूक हो रही होती है, जिनको रात को बेड पे जाने से पहले कुछ ना कुछ वार्म सा चाहिए होता है, उनके लिए ये रेसिपी है। एंड जहाँ तक हम बात करेंगे कि वेट लॉस में कैसे हेल्प करेगी, या आपके टमी को, बेली को फ्लैट करने में हेल्प करेगी, आपकी क्रेविंग्स ख़त्म करेगी एंड आपको नींद बहुत अच्छा देगी। एंड जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहता है, बहुत सारे सीड्स मैंने इसमें यूज़ करी है, फाइबर्स बहुत ज़्यादा है और आपका स्टमक जो है अच्छे से इससे क्लीन भी हो जाएगा। सो ये रेसिपीज कैसे बनानी है, चलते हैं किचन में। ओके, सबसे पहले हम बनाने जा रहे हैं सीड मिक्स बार। यहाँ पे मेरे पास है रोल्ड ओट्स, ये यहाँ पे मैंने डाल दिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैं डालूंगी मेरे पम्पकिन सीड्स, 3 चम्मच। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है मेरे सनफ्लावर सीड्स। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास है फ्लेक्स सीड्स, थोड़े से कम, इन सब के मैंने 2-2 चम्मच लिए, तो फ्लेक्स सीड का मैंने 1/2 स्पून लिया। नेक्स्ट मेरे पास है थोड़े से चॉप किए हुए नट्स, ये है मेरे पास आलमंड्स, कैशू, वॉलनट्स। अब इन सबको हम खूब अच्छे से भूनेंगे 5 से 6 मिनट सेम आंच पर। ओके, तो ये हमारे अच्छे से मैंने भून लिया है अभी। नेक्स्ट इज डाल देंगे, इसके अंदर मैं सबसे पहले डाल रही हूँ डार्क चॉकलेट के चिप्स। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल रही हूँ मेरी किशमिश, एज पर योर टेस्ट। नेक्स्ट अब इन सबके बीच में मैं ऐड करूंगी मेरा हनी। सो यहाँ पे मैंने लिया हनी 1 बड़ा चम्मच। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया। ओके, सो हम इसे स्टोर करके रख सकते हैं एटलीस्ट 15 से 20 दिनों के लिए। ये हमारा एकदम क्विक रेडी ब्रेकफास्ट और डिनर है। जिन लोगों को इश्यूज रहते हैं कि कुकिंग नहीं करना इजी चाहिए, ये उनके लिए सबसे इजीएस्ट मोड है। और इसको हम लेंगे कैसे, 1 स्पून 2 स्पून 3 स्पून एज पर जितना आपको भूख है, बट 3 स्पून से ज़्यादा हम इसके सर्विंग नहीं लेंगे। इसके अंदर हम डालेंगे ओट मिल्क, आलमंड मिल्क और फुल फैट मिल्क, जो भी आपको कन्वीनियंट हो। एंड हियर वी गो, फुल फ्लेश्ड हमारा ब्रेकफास्ट और डिनर रेडी। इसको हम गर्म भी ले सकते हैं मिल्क को और ठंडा भी, अप टू यू। हम बना रहे हैं मूंगे की दाल और हमारा मखाना का शीरा। सबसे पहले यहाँ पे लिया मैंने 2 चम्मच जितनी हमारे येलो मूंगे की दाल। इसको हम खूब अच्छे से भूनेंगे, बहुत अच्छे से कम 5 मिनट के लिए इसे मार्च पे बहुत अच्छे से हम इसे भूनेंगे।
ओके सो ये जो हमारी मूंगे की दाल है बहुत अच्छे से भून चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है, सो गैस को हम कर देंगे बंद और अब हम इसे पीस के पाउडर बनाएंगे इसका। अब हम भूनेंगे थोड़े से हमारे मखाना, ये 1% के लिए है, इनको भी खूब अच्छे से हम भूनेंगे अभी। ओके सो ये मखाना भी हमारे भून चुके हैं और अब हम इसको भी पीसेंगे, ग्राइंड करेंगे। ओके सो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं शीरा। ये लिया मैंने 1 चम्मच घी। घी के अंदर सबसे पहले मैं डाल दूंगी मेरे आलमंड्स, थोड़े से मेरे काजू, 4 से 5 आलमंड्स, 4 से 5 काजू। खूब अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसके अंदर हम डालेंगे हमारी भुनी हुई एंड पीसी हुई मूंगे की दाल। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डाल दूंगी हमारा मखाना। नेक्स्ट इसके अंदर मैंने डाला है हमारा सौंफ और इलायची पाउडर। नेक्स्ट इसके अंदर मैं डालूंगी मेरा 1 चम्मच जितना जैगरी पाउडर और अब इसके अंदर हम डालेंगे हमारा पानी। ये डाल दिया मैंने 1 गिलास जितना पानी। इसको खूब अच्छे से हम मिक्स करेंगे। एक उबाला आते ही हम गैस को बंद कर देंगे। कंसिस्टेंसी हमें बहुत ही ज़्यादा थिक नहीं चाहिए, पतली कंसिस्टेंसी हमें चाहिए एंड ये इतनी बिल्कुल रेडी है एंड इट्स रेडी। अब इसे हम अभी के अभी सर्व करेंगे। इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ी सी किशमिश एंड अखरोट एंड इट्स रेडी। वेलकम बैक जी। सो ये थी मेरी मॉनसून की 2 रेसिपीज़ एंड मेक श्योर कि आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करो। इसको बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, आप भी खा सकते हो एंड यस और खांसी जुकाम से बचें। मेक श्योर आप रात को पैरों पे विक्स लगा के सोएं। आप बाहर से अगर घर में आ रहे हो तुरंत आप शार लीजिए गर्म पानी से एंड उसके बाद जाके आप अपने रूटीन को स्टार्ट करें। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी जो बेड शीट्स हैं उसको डेली बेसिस पे आप चेंज करें या फिर अगर आप बाहर से आए हो थोड़े से भी कपड़े आपके गीले हैं आप तुरंत उसको चेंज करो और तुरंत अपने आप को ड्राई करो। जिन जिन लोगों का मॉनसून के अंदर हेयर फॉल बहुत ज़्यादा है आप ऑयलिंग करना अभी बंद कर दो। स्कैल्प ऑलरेडी वीक होंगे, ऑयल कर करके किस किस के और ज़्यादा वीक हो रहे होंगे जिससे हेयर फॉल और ज़्यादा हो जाता है। सो आई गेस दिस वीडियो इज़ यूजफुल, सो दैट्स इट एंड आई विल सी यू सून। टिल द टाइम टेक केयर जी, बाय बाय।